हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भाई शुरू करते हैं। मैं अभी जा रहा था सोनू चाचा जी के यहाँ। वहाँ पे यार उनके बेटों को टाई लगानी नहीं आ रही, उनको टाई बांधना सिखाएंगे। वो भी स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं भाई, 7:30 हो चुके हैं। 8-1 बजे उनकी बस आ जाएगी, पर मैं क्या जल्दी से बांध आता हूँ। वो नहा धो के रेडी हैं, तो चलो फिर उनकी टाई बांध के आते हैं। पहुँच चुके हैं चाचा जी के यहाँ, बांधते हैं बच्चों की टाई और दिखाते हैं आपको। भाई अंशु की टाई लग चुकी है, अंशु तैयार है एकदम। कौन से स्कूल में ली एडमिशन? गुरुकुल। एम गुरुकुल। वाह जी वाह, पहला दिन है आज। बहुत बढ़िया, गुड लक, थैंक यू बोलता हूँ। दूसरा भाई शिब्बू, ब्रेकफास्ट में बने थे सादे परांठे, और सादे परांठों के साथ था सिर्फ दही, जो मेरे खाने का मन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रात की बची कड़ी खा ली जाए। जब मैंने कड़ी वाला पतीला निकाला तो उसमें सिर्फ डकलू ही डकलू, मतलब मैंने सोचा थोड़ी तरी तो होगी, पर भाई दिखाऊं, ये देखो हद्दी है। फिर भाई फिर मैं गया मैगी लेने, और भाई ने बना दी मैगी। अब मैं मैगी खाऊंगा और फिर मिलते हैं आपसे। छड़ दे। एह एह दोस्तों, शाम का टाइम है, 8 बज चुके हैं। मेरे साथ में अम्मा जी। अम्मा जी सब ठीक है? सब ठीक है। तो मैंने एक भजन लिखा हुआ है बाबा बालकनाथ जी के ऊपर। अच्छा। तो मैं क्या सुना देते हैं और आप बताना फिर कैसा है, ठीक है? हाँ ठीक। तो ऐसे है, मोर दी सवारी आजा पौना हारिया, भगत प्यारे बुलाउंदे ने। मोर दी सवारी आजा पौना हारिया, भगत प्यारे बुलाउंदे ने। भगत प्यारे बुलाउंदे ने, बार बार आउंदे ने। भगत प्यारे बुलाउंदे ने, बार बार आउंदे ने। इक वारी गुफा बिचों आजा जोगिया, भगत जयकारे लाउंदे ने। इक वारी गुफा बिचों आजा जोगिया, भगत जयकारे लाउंदे ने। मोर दी सवारी आजा पौना हारिया, भगत प्यारे बुलाउंदे ने। हर एतबार बाबा तेरे दर आउंदे ने, हर एतबार बाबा तेरे दर आउंदे ने। चकमो पिंड आले तेरा गुण गाउंदे ने, मेरे पिंड आले बाबा तेरा गुण गाउंदे ने। तेरे दर आउंदे बाबा तेरा गुण गाउंदे ने। इक वारी दर्श दिखा जा जोगिया, भगत जयकारे लाउंदे ने। मोर दी सवारी आजा पौना हारिया, भगत प्यारे बुलाउंदे ने। केड़ा लग गया? बहुत ठीक लिखुआ? खराब है, ठीक है। कल लिखिया है? बड़ा अच्छा है। बढ़िया है? और बढ़िया। मैं क्या सुना इंदा? बड़ा जी लाई लिया बाबे ने। चलो खरी बता। तो भाई ये था छोटा सा भजन, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं भाई एंड, आज अम्मा जी हैं साथ में। तो इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर। इस ब्लॉग को अगर अच्छा लगा हो तो भाई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। थोड़ा ब्लॉग में कंटेंट कम पड़ रहा था तो अक्षु जी को आगे किया है। हटा टोपी, नंदन संख्यान की गाल। नंदन संख्यान को भी दिखा देते हैं। तो यार ऐसा भाई, अक्षु भाई मुझे बड़े बोल रहे ले ये नंदन सिंह यार। चलो कोई बात ना, आदर्श बन चुके हैं हमारे, हमारे 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 रोहित भाई बोल रहे हैं भाई, हमारे रोहित भाई पापा बन चुके हैं। तो उनके पापा बनने की खुशी में ये मोतीचूर के लड्डू हमें शिमला से आए हैं। शिमला से आए हैं, वेरी गुड। कह रहा है कटिंग के पीछे हो गया ना थोड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हुई तो वो तो फनी मोमेंट है ना। कवर रह गया भाई, खाओ खाओ। नंदन जी, नंदन भाई, नंदन भाई।
तेरी डिमांड ज्यादा हुई मार्केट सबको सबको कम ये खा रहे मुझे ने हां मजा आ गया बाल तेंगे चक्की में बाल दूस कच्चा है इंगे दस भला दे 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 अक्सु अंजब खाए दे यार आधा दे दे यार बड़ा स्वाद है प्लीज हम ओवा है जी उन अपने घर दे नो लेने लागों दे देसी देने है सही है हम दे इस साइड पे देखिए इस साइड पे देखिए ये भाई अक्षु जी हैं हमारे थोड़े दिमाग से पैदल हैं चलो धीरे धीरे हो रहे हैं ठीक